हे गाइस, आई एम प्राची माकीजानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लिए फाउंडेशन वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि परफेक्टली फाउंडेशन कैसे लगानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन हम लगाते क्यों हैं। एक रीजन है कि हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं अपने स्किन टोन को परफेक्ट करने के लिए, अपने इनपरफेक्टनेस छुपाने के लिए, और सेकेंड अपने स्किन टोन को ब्राइटर करने के लिए। हमेशा हम फाउंडेशन लगाने के टाइम पे बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। कभी कभी हम ज्यादा फाउंडेशन लगा देते हैं, कभी फाउंडेशन कम लगाते हैं, और कभी कभी फाउंडेशन लगाने के बाद एकदम केकी सा लुक आता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम फाउंडेशन लगाने के टाइम पे करते हैं वो ये है कि हम अपनी फिंगर्स यूज करते हैं। हमें फिंगर्स यूज नहीं करनी है, क्योंकि फिंगर यूज करने से एक तो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट होता है और दूसरा हमें प्रॉपर कवरेज नहीं मिलती है। बेस्ट थिंग ये है कि आप फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए या तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें या तो फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज करें। और बेस्ट टिप ये है कि आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले अच्छे से फेस वॉश करें और उसके बाद आप प्राइमर लगाएं। ऐसा करने से आपके फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तो चलिए हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करके देखते हैं। प्राइमर में मैं यहाँ पे यूज करूंगी लोटस प्रोफेशनल। प्राइमर आपके स्किन के पोर्स को पैक कर देता है और आपकी फाउंडेशन को एकदम शीट कवरेज देता है। इसे अच्छे से स्प्रेड करें पूरे फेस पे। इसे आपका प्रोडक्ट भी कम लगेगा, जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता है। फाउंडेशन में मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन यूज करूंगी, मैबेलिन फिट मी की। दो शेड्स अच्छे से मिक्स कर लें दोनों को मिला के, इस तरह से डॉट डॉट पूरे फेस पे लगा दें। फाउंडेशन के लिए यहाँ पे हम लोग ब्रश यूज कर रहे हैं। उसे डाउन मोशन में करना है ताकि आपके फेशियल हेयर्स रेस ना हो। उसे नोज के यहाँ और लिप्स के यहाँ पूरे फेस पे अच्छे से आप घुमा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।